गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज रियल नंबर के दूसरे पार्ट में हम लोग काम करेंगे। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन, उसका जो बेसिक्स था उसको हम लोगों ने देखा था, मिलाया था, बनाया भी था। आज जो अभी हम काम करेंगे वो होगा दो रेशनल के बीच अन्य बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकालना। सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। अब थोड़ा सा इस बात का हम लोग पुष्टि कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका 2, ये है आपका 3, के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। 2 हो सकता है, आप ले सकते हैं। 2 के बाद आपका आएगा 2.1, फिर आएगा 2.2, फिर 2.3, इस तरह से करते करते अपना जाएगा। अब इस 2.1 को अगर हम देखें तो 2.1 ये लिखा जा सकता है क्या, 21/10 डेसिमल हटेगा और नीचे एक शून्य आ जाएगा। यहाँ पे फिर आप चाहे हम लिख सकते हैं 22/10, ये तो एक था। मान लीजिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 2.11, 2.22, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाता, फिर से आपका बढ़ जाता है एक डिजिट। तो यहाँ एक बढ़ता तो फिर यहाँ भी एक बढ़ जाता, फिर यहाँ अगर मान लीजिए कि बढ़ा है 2, जो भी है आप इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो फिर ये भी बढ़ेगा। यानी आप जितने भी सारे प्रयास कर रहे, बहुत सारे रेशनल्स आपको मिलने वाले हैं। हम लोग अभी क्या करेंगे कि कुछ मेथड्स से इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे, क्योंकि अब आप 9th कक्षा में चले गए, बड़े हो गए। अभी पहले भी आप निकालते थे तो आप क्या करते थे ना, कि बेस इक्वल कर लेते थे और बेस इक्वल करके उनके बीच निकालते थे। लेकिन आज हम दो मेथड्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। दो ऐसे मेथड जिनका कि अभी के पहले आप लोग शायद उसको नहीं जानते थे। अभी के पहले सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते थे कि डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते थे और उसके बाद उसको निकालते थे। लेकिन आज हम चर्चा करते हैं, दो रेशनल नंबर मेरे पास है 1/3 और 1/2, मुझे इसके बीच एक रेशनल निकालना है। तो सिंपल कि इसको मान लेना एक्स और इसको मान लेना वाई, ठीक है। तो आपका रिक्वायर्ड रेशनल क्या हो जाएगा, REQUIRED, रिक्वायर्ड रेशनल। या पहले भी बनाए थे, शायद बनाए होंगे, लेकिन थोड़ा सा जिक्र इसका हम लोग कर लेते हैं। फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1/2 × x + y, यानी सिंपली दोनों को ऐड करके ये आपका जो था एक x वाला पोर्शन और दूसरा y वाला पोर्शन, इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा काम करना कम कर रहा है, कोई बात नहीं, दो ग्रेड से हम काम करेंगे। तो ये आपका क्या था, मैंने लिखा 1/2 × x + y, ये आपका x का पोर्शन और ये y का पोर्शन, दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको थोड़ा सा बना के भी चेक कर लिया जाए, और बना के चेक करने में क्या है, चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं हल्का सा। मैंने कहा है कि इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर निकालना है, तो एक रेशनल नंबर निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला अभी हम अप्लाई करेंगे, 1/2 × x + y, यानी दोनों को जोड़ लेना है और 1/2, तो पहला आपका है 1/3 और दूसरा है 1/2, ठीक है। जोड़ना अच्छे ढंग से आता है, रेशनल्स का ऐड है। सबसे पहले हम 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब बारी बारी से डिवाइड करते हैं, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आएगा 2, 3 × 2 = 6 होता है, और उस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2, फिर हो गया आपका, इसको लूप करेंगे 6 में, फिर अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 = 6, और फिर 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, यानी ये हो गया 1/2, और ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन दे सकते हैं ब्रैकेट हटा के, 2 + 3 = 5/6, यानी ये हो जाएगा 5/12। इन दोनों के बीच हमारा एक रेशनल नंबर आ गया 5/12। अच्छा, फिर पिछले स्टेटमेंट में जाते हैं, इसमें हम लोगों ने जिक्र किया था कि बहुत सारे रेशनल्स निकल सकते हैं। अब इन दोनों के लिए भी तो हम सेम काम कर सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए इस बार मेरा x हो जाएगा 1/3, y हो जाएगा 5/12, फिर यहाँ रख देंगे, फिर इसको इसी फॉर्मूले से बनाएंगे तो इन दोनों के बीच एक मेरा फिर से प्राप्त हो जाएगा। या फिर इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, फिर इसी फॉर्मूले पे रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों के बीच आ जाएगा, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे कि दो लगातार ले लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो सीधे सीधे हमारा आते जाएगा, और ये प्रोसेस एंडलेस होगा। इसीलिए कहा गया है
there are infinite rational numbers between two rationals, दो rationals के बीच infinite rational numbers होंगे। तो ये तो पहला तरीका था, और दूसरा तरीका क्या है उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, फिर इन्हीं दोनों questions के लिए हम करते हैं, ठीक है। इसको पहले हम लोग हटा लेते हैं यहां से और दूसरे मेथड की चर्चा करेंगे। ये तो पहला था, अब हम बात करेंगे सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड इन दोनों का इस्तेमाल, हालांकि सेकेंड मेथड जो अभी हम बता रहे हैं ये बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए, जिसमें बहुत सारे नंबर्स निकालने हो, दो रेशनल के बीच 16 निकालिए, 8 निकालिए, 9 निकालिए, जब ऐसी बात हो जाएगी तो फिर आप ऐड करते करते थक जाओगे, इसलिए सीधी सी क्या करते हैं प्रक्रिया हम अपनाते हैं और इसको निकाल लेते हैं। मान लीजिए इस बार मेरे पास संख्या है 3 और 4, इन दोनों के बीच मुझे रेशनल नंबर इंसर्ट करना है 6, 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, इंसर्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, मुझे 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर जो है वो एक निकालने हैं, ठीक है। तो 6 रेशनल नंबर हम लोग अभी कर लेते हैं, इसके और इसके बीच हमें 6 रेशनल्स निकालने हैं। चलिए अब पहला काम क्या करेंगे, इसको चूंकि हम फॉर्मूला मेथड से बनाएंगे तो उस वक्त हमारा सबसे पहले पहले वाले को आप मान लेना x, दूसरे वाले को y, और जितनी संख्या में निकालना है जैसे 6 निकालना है तो ये हमारा n का वैल्यू हो जाएगा, n बराबर 6। यानी क्लियर चीज क्या है कि हम जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से तीन चीजें निकालेंगे, पहला किन दो के बीच निकालना है, जिन दो के बीच निकालना है वो पहला हो जाएगा आपका, वो x का वैल्यू हो जाएगा, और जो दूसरा है वो आपका y का वैल्यू हो जाएगा, और जितनी संख्या में निकालनी है यानी जितना नंबर्स निकालना है वो तीसरा हो जाएगा n बराबर 6। मान लीजिए यहाँ 8 निकालना होता तो n बराबर हम क्या करते 8 फुट करते, यानी ये तीन चीज रिक्वायर्ड है आपको, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन और तीसरा पोर्शन। इन तीनों के मिलने के बाद हम निकालेंगे d, और d के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू y माइनस x n प्लस 1, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम एक संख्या निकालेंगे d। तो अब ये y क्या है आपका, y पहले से है 4, x है आपका 3, यानी 4 माइनस 3, और नीचे क्या हो गया n प्लस 1, n आपका कितना है 6 प्लस 1, 4 में से 3 घटा देंगे बचेगा मेरा 1 और नीचे हो जाएगा 7, ये आ गया मेरा d का वैल्यू। अब आप गौर कीजिए, जो चीजें जरूरी थी मुझे, एक d, एक n, n तो आप उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, x, y, और हमने उससे निकाल लिया d। अब उसके बाद मुझे 6 निकालने हैं, तो 6 के लिए मुझे लगातार अब लाइंस देने पड़ेंगे। चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं पहले इसको, स्पेस कम होने की वजह से मुझे ऊपर वाले पोर्शन को मिटाना पड़ेगा। फिर से लिख लिया जाएगा, क्या है यहाँ पे कॉर्नर में मैं लिख लेता हूँ, मेरा x था 3, y था 4, और d आया है अभी अभी 1/7। अभी 6 निकालना था मुझे, तो लाइन से हो जाएंगे x प्लस डी, ये आपका पहला रेशनल होगा, कॉमा x प्लस 2d, ये आपका सेकेंड रेशनल होगा, x प्लस 3d, ये आपका तीसरा रेशनल होगा, x प्लस 4d ये आपका चौथा होगा। इस तरह से आपको बाकी दोनों भी निकालने पड़ेंगे, x प्लस 5d और फिर x प्लस 6d। तो चूंकि हम x, y और d का वैल्यू लिख चुके हैं इसलिए मुझे नीचे वाला मिटा देना चाहिए, स्पेस कम मिलेगा फिर, और सिंपली केवल हम लोगों को वैल्यू अपना पुट करते जाना है जो भी लाए। मेरे पास क्या है 3 प्लस d है मेरा 1/7, ये पहला रेशनल हो जाएगा, और दूसरा है फिर x यानी 3 प्लस 2d यानी 2 × 1/7, फिर तीसरा हो जाएगा इसी तरह से 3 प्लस 3d है
तो 3 × 1/7, फिर उसके बाद है 3 + 4d, यानी 4 × 1/7। उसी तरह से फिर ये हो जाएगा आपका 3 + 5 × 1/7, उसके बाद हो जाएगा आपका 3 + 6 × 1/7, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है 2 × 1 मैं यही कर देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 2, 3 × 1 तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा आपका, और 4 × 1 सबको मैं यही कर दे रहा हूँ, आप अगले लाइन में करना, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं थोड़ा कंजूसी से काम कर रहा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ कंजूसी जरूरी भी है। और फिर यहाँ पे कितना था मेरा, 6 था ना, 6 × 1 तो 6 हो जाएगा, और कुछ इस तरह का प्राप्त हुआ। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जोड़ना तो आपको अच्छी तरह से आता है, आप जोड़ सकते हैं, आप नीचे 1 ले लेना, LCM लेना, उसके बाद आप निकाल सकते थे, लेकिन ठीक है मैं उसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं सीधे सीधे यहीं से काम चला लूँगा, 3 + 1/7 तो ये हो जाएगा मेरा 3 होल 1/7, ये पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3 होल 2/7, तीसरा हो जाएगा 3 होल 3/7, चौथा हो जाएगा 3 होल 4/7, 3 होल 4/7, पांचवा हो जाएगा 3 होल 5/7, और छठा आपका हो जाएगा 3 होल 6/7। और इसको तोड़ना आपको अच्छी तरह से आता है, पहला क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 21 और 1, यानी ये हो जाएगा आपका 22/7, फिर ये कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21 और 2 मिलके 23/7, फिर ये भी हो जाएगा 7 × 3 = 21, और फिर 3 ऐड करेंगे 24/7। इस तरह से आप जितना बार करते जाओगे आपका नेक्स्ट प्राप्त होते जाएगा, ये हो जाएगा 25/7, ये हो जाएगा 26/7, और फिर ये हो जाएगा 27/7। इस तरह से आपने क्या किया कि 2 रेशनल्स के बीच 6 रेशनल निकाल लिया, जितने सारे निकालने होते हैं आप निकाल सकते थे। यानी सबसे पहला चीज क्या जरूरी है कि जो 2 संख्याएं दी गई हैं उसमें पहले वाले को x मान लेंगे, दूसरे वाले को y मान लेंगे, फिर निकालेंगे d, और d के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, d = y − x / n+1। एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं, n क्या था, जितने नंबर्स आपको निकालने थे, 8 होता तो 8 रखते, मेरे पास 6 क्वेश्चन में था तो मैंने 6 रखा था, इसलिए क्या हुआ कि अब जैसे ही मैंने 4 में से 3 घटाया आ गया 1, और फिर एक बार फिर से इसको डेमोंस्ट्रेट कर देते हैं, 4 − 3/6 + 1, और यही वो वैल्यू है जो मैंने निकाला है यहाँ पे 1/7। उसके बाद दूसरा आएगा प्लस 2d, इस तरह से आपको जितना निकालना है आप d बढ़ाते जाओ, और उसके बाद सिंपली केवल आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से ये दूसरा तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। तो उसके पहले अभी जो क्लासेस में आपने पढ़ा था वो आपका था कि बस हम डिनोमिनेटर इक्वल्स करते थे और उसके बाद बनाते थे, लेकिन इस बार जो अब आपकी कक्षा में है तो इस तरह से जब आपको बनाना पड़ेगा तो लॉन्ग आंसर्स के लिए पूरे स्टेप शो करने पड़ेंगे। एक पहला भी था 1/2x + y, यानी सिंपली से दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये प्रक्रिया जारी रखें, और इस तरह से आपका लगातार इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो ये पोर्शन भी मेरा हो गया कंप्लीट। अब आता है इसका तीसरा पोर्शन, तो तीसरे पोर्शन को भी मैं यहीं पे जिक्र कर देता हूं, और थर्ड पोर्शन क्या है उसको भी थोड़ा हम मिला ले, बिना भाग दिए पता करना कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है कि नहीं। अच्छा अब देखिए थोड़ा कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे अभी, जैसे मान लीजिए अभी मैं एक नंबर लिखता हूँ 0.1024, खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो मेरे डिजिट्स हैं वो एक सर्टेन प्लेस पे जाके इंड कर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या है टर्मिनेटिंग हो गए। फिर दूसरा है जो टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीट भी कर रहा है 1111…, ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। और एक होता है जो न टर्मिनेटिंग है न रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसका पैटर्न भी है, जैसे मान लीजिए 0.11 अगला पढ़ रहा है, फिर आपका 1 2 1, फिर 1 1 2 1, इसका इस तरह से जो पैटर्न है इरेगुलर पैटर्न जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। लेकिन हमें इसकी चर्चा नहीं करनी, यहाँ पे तो सिर्फ
वर्ड दिया था तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया। क्वेश्चन मेरा है कि बिना भाग दिए हमें पता करना है कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और कौन नहीं है। अब चलिए इसको कैसे पता करते हैं इसको भी देख लेते हैं सिंपली। और जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ 13/80, मुझे पता करना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर पोर्शन है मैं इसका प्राइम फैक्टर तोड़ लूंगा। प्राइम फैक्टर तोड़ना आपको अच्छी तरह से आता है, नहीं भी आता है तो सीख लो क्योंकि ये लंबा काम आने वाला है। 2 से तोड़ेंगे 40, फिर 2 से तोड़ेंगे 20, फिर 2 से तोड़ेंगे 10, फिर 2 से तोड़ेंगे 5। यानी जब मैंने इसका प्राइम फैक्टर तोड़ा तो ये कितना आ गया 13/2 × 4 × 5, यानी 2 चार बार आया है और 5 एक बार आया है। यानी जब भी हमें ये पता करना हो कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं तो हम क्या करेंगे कि सिंपली डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर तोड़ लेंगे। और अगर इसका डिनोमिनेटर 2^m × 5^n के फॉर्म में हो तो ये हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। अब आप मिला के देख सकते हैं m और n का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, इतना बार रिपीट कर ले। अभी मान लीजिए 2 है, ठीक है, यहाँ पे m 4 हो गया और n जो है वो 1 हो गया। यानी ये दिया हुआ जो पोर्शन है वो इस फॉर्म को मेंटेन कर रहा है, यानी ये क्या है सीधे सीधे आपका टर्मिनेटिंग है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्या आता है, कई बार बच्चे ऐसा पूछ डालते हैं कि सर मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 का ही पावर है। जैसे अगर कोई संख्या होती है जैसे मान लीजिए 6/32, ठीक है, तो अभी इसका जब आप 32 का प्राइम फैक्टर तोड़ोगे तो ये आ जाएगा 6/2 × 5, यानी सिर्फ 2 का पावर आ रहा है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए इस बार मैं रखता हूँ 6/1 × 5, तो ये आपका हो जाएगा 6/5 × 3, क्योंकि 5 का पावर 3 125 होता है। इस बार जो आपका आया है वो है 5 का पावर 3, यानी आपने जो देखा था वो ये था कि 2 का पावर 5 × 5 होना चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन ये हुआ कि जब आपने प्राइम फैक्टर तोड़ा तो ये सिर्फ 2 के फॉर्म में आया या फिर इंडिविजुअली ये सिर्फ आपका 5 के फॉर्म में आया। तो हमें ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, 2 तो मेरे पास है 5 नहीं है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट जब पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या का पावर अगर हम 0 कर दें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यानी मेरे पास यहाँ 5 वाला पावर नहीं था तो मैं लिख सकता हूँ क्या 5 का पावर 0, क्योंकि 5 का पावर 0 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सेहत पे भी कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका ये क्या हो जाएगा, फिर से इस फॉर्म को मेंटेन कर चुका। यानी अगर सिंपली 2 के पावर में भी आ रहा है तो भी ये आपका टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या फिर उसी तरह से सिंपली 5 के फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ पे आपका क्या गायब है 2 गायब है। हम लिख सकते हैं क्या इसको 2 का पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 करेंगे वैल्यू हो जाएगा 1, और जैसे ही वैल्यू 1 हुआ तो फिर इसके सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यानी इंडिविजुअली अगर ये 5 के पावर में भी अकेले हो तो भी टर्मिनेटिंग होगा। यानी ये समझने की गलती हम कभी नहीं करेंगे कि 2 का पावर m 5 का पावर n, यानी 2 के पावर में हो 5 के पावर में हो या तो दोनों में हो, जैसे अभी जो मेरा एग्जांपल था इसमें 2 का भी पावर था और 5 का भी पावर था, या सिर्फ अकेले 2 का पावर हो तो भी काम चल जाएगा, 5 का पावर हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन बाउंड्री लाइन क्या है कि अगर इसके साथ कोई तीसरा आ जाए तब नहीं होगा, क्योंकि 2 के पावर में होगा तो हम 5 का पावर 0 रख सकते हैं, 5 के पावर में हो तो 2 का पावर 0 रख सकते हैं। लेकिन कोई एक ऐसी डिजिट आए जिसमें कि हम क्या करें कि एक तीसरा आ रहा है, 3 आ गया, फिर 6 आ गया, 7 आ गया, अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है कि इन तीनों के बाद या तो ये दोनों नहीं तो फिर इंडिविजुअल, और इस कंडीशन के बाद अगर कोई भी नया कंडीशन आता है तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से हम ये चेक करते हैं, वो भी बिना भाग दिए हुए, विदाउट डिवीजन हम ये पता लगाते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अच्छा, इतना के बाद हालांकि आगे की कक्षा में हो सकता है इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या लिखी हुई है 5/8, अभी इसमें तो लिखा हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, तो जब भी आप डेसिमल में बदलते थे तो आप डिवाइड कर लेते थे, यही करते थे ना। लेकिन फिर अगर हमारे साथ ये कंडीशन आ जाए कि आप क्या करें कि इसको बिना भाग दिए डेसिमल में बदल दें, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये आपने नहीं सुना होगा। विदाउट डिवीजन बिना भाग दिए किसी रेशनल को हमें क्या करना है कि
डेसिमल में ला देना है। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल्स में। पहला क्वेश्चन है आपका 5/8, हम इसी पे चर्चा करेंगे। 5/8, अभी जो मेरा पिछला टॉपिक था उसमें मैंने ये कहा था कि जो आपका डिनोमिनेटर है मैं इसको अभी डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है वो भी बिना भाग दिए। भाग देंगे तो आप कर सकते थे, डिवीजन वाला प्रोसेस आपको अच्छी तरह से आता था। ये हो गया 8, ये हो गया 5, अभी जाएगा नहीं तो पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर आप टेबल पढ़ेंगे, इस तरह से उसको छोटा करते हैं। 8 6 जा 48, फिर बच गया 2, फिर उतर गया 0, फिर 8 2 जा 16, फिर बच गया 4 0, और 8 5 जा 40। ये कैलकुलेशन, ये आपका डिवीजन मेथड से आप इसको कन्वर्ट करते थे। अभी जो मैं करने वाला हूं उसमें मैं डिवीजन का काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर जो हमारा है उसको प्राइम फैक्टर में लिख देंगे, यानी 2 8 है, 2 8 2 2 into 2 into 2, यही होगा ना, यानी 2 का पावर 3। चलिए, पिछले टॉपिक में मैंने चर्चा की थी कि फॉर्म जो होना चाहिए वो क्या है, 2 का पावर m into 5 का पावर n। अब एक चीज गौर करना मेरे को, ये 2 है, अभी इसको मुझे 10 बनाना है। 10 कैसे बनेगा, 2 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्या। तो चलिए इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, हमें किसी तरह से इसको 10 के पावर में ला देना है, क्योंकि 10 के पावर में जब हम ला देंगे तो मुझे भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से क्या होगा कि डेसिमल में कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो मेरे पास जो मौजूद है वो है 2, इसको हम क्या करेंगे कि कन्वर्ट करेंगे। क्या काम करेंगे, पहला 5, जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसका भी पावर आपको क्या देना होगा, 3, क्योंकि एक्सपोनेंट लॉ आप पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंट लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि x का पावर m हो और y का पावर भी m हो, यानी नीचे वाला दोनों अलग अलग हो। आप देख सकते हैं नीचे वाला दोनों अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते थे, नीचे जो आपका बेस था वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता था और इन दोनों का जो पावर था वो कॉमन फॉर्म में आ जाता था। यानी यहाँ भी हम इस काम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नीचे क्या बन जाएगा मेरा, 2 into 5 और होल का पावर 3, यानी अभी 5 2 जा 10 और 10 का पावर 3 हो सकता है। लेकिन चलिए अभी एक पोर्शन इसमें अधूरा है, वो क्या है कि चूंकि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो ये बेईमानी वाली बात पर आई, मजबूरन करना पड़ेगा। अब मैं ऊपर भी 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और 5 का पावर 3 जब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 5 और 5 का पावर 3 क्या होता है, 125, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, ठीक है। तो ये आपका आ गया इतना, और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 2 5 और नीचे क्या होगा, 10 का पावर 3। थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए, टेन का पावर 3, और 10 का पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, 6 2 5 by 1000। फिर नीचे से 3 0 हटेंगे तो ऊपर 3 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी 5 2 6 डेसिमल यहाँ आ गया। आगे अच्छा नहीं लग रहा है तो 0 डाल दीजिए। ये आपने बिना भाग दिए क्या किया कि इसको सीधे सीधे कन्वर्ट कर दिया। अब आप मिला के देखो तो यहाँ आपने भाग देने के बाद लाया था, ये विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने क्या किया कि सीधे सीधे इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो फिलहाल आवाज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम देखेंगे कि रेकरिंग डिजिट्स को कैसे रेशनल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 0.6 रेकरिंग है। अगले दो टर्म में, अगले दो क्लासेस में मैं इसको क्लैरिफाई करके और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फिर से इसको लगातार देखेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए लेंगे इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।